हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के सेट 10 में हम अगेन 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड ये हमारा आखिरी सेट है साइंस के लिए। इससे पहले हमने 9 सेट्स कवर कर रखे हैं, 180 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं और साथ ही साथ इस 180 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन, जहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रेलवे NTPC की बात करें और ग्रुप डी की बात करें तो हूबहू इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिले हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर सेट्स को भी आप चेक कर सकते हैं। सो इस सेट में हम अगेन 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और जहां भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी उन सारे क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, कम होता है, उच्च होता है, निम्न होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व जो होता है ना, ये होता है उच्च। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, तो यह किसका होता है? यह होता है गाइस हीरे का, ठीक है। और इसका घनत्व होता कितना है, अगर सबसे ज्यादा होता है तो कितना होता है भाई, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो ये होता है 3150 से लेके 3530 तक, आप याद रखेंगे, केजी प्रति घन मीटर, ओके, ये आप याद करेंगे। फिर बर्फ के आयतन की अगर बात की जाए तो बर्फ का आयतन जो होता है वो पानी से अधिक होता है, इसलिए पिघलने के बाद टुकड़े का आयतन कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन पानी का स्तर क्या होता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है, वही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ताप मापने की SI इकाई क्या है? तो ये है केल्विन। सारे के सारे SI यूनिट्स 1x1 करके हमने हर एक वीडियो में 1 से 2 यूनिट्स हमने कवर किए हैं, इन्वेंशंस कवर किए हैं और जो भी रोग है, विटमिन्स है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आपने अगर उन सारे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप 1x1 उन सारे वीडियोस को देख लेंगे। और साथ ही साथ आप इस PD बुक में जो आपको साइंस के पोर्शन दिए गए हैं ना, उसको फ्रेंड्स वो तो मस्ट है, आप उसको पढ़ के ही जाओ, क्योंकि वहां से हूबहू क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और इस PD के बुक की अगर बात की जाए ना, तो स्टार्टिंग के जो कुछ फ्रेजेस हैं, लास्ट के जो कुछ सेट है और बीच में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, वो आप कवर कर लेंगे डेफिनेटली। उसके इन सारे वीडियोस के बाद मैं उन सारे सेट्स को कवर करने वाली हूँ वीडियो के माध्यम से। और वो जो आपके कुछ पेजेस हैं जिसमें उन्होंने अच्छे से क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके दिए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। और इस PD के पूरे बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बीच बीच में जो उसके जो बॉक्सेस बनाए होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजें आपकी कवर कर लो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहीं से रहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होता है, उसका द्रव्यमान जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। अब बात की जाए अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा अगर किसी, सपोज कि मेरा वेट अगर 60 kg है, तो जब मैं चंद्रमा पे जाऊंगी ना गाइस, तो मेरा वेट हो जाएगा, मेरा वेट क्या हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, 6 times नीचे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मेरा वेट, कहाँ, चंद्रमा पे, मून पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में, एग्जैक्टली होता क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटे छोटे न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं अगर ये पूछ लिया जाए कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, ठीक है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना भाई, कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो ये इकाई इसकी क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी क्यूरी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे हल्का रेडियो धर्मी तत्व जो होता है वो क्या होता है, ये होता है ट्रिटियम, ओके, ये होता है क्या, ट्रिटियम, या नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ये करती है उसकी आवृत्ति पर।
गाइस क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है तो क्या शामिल होता है, कौन सा बल शामिल होता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है एकल बल। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होगा, ये आप बताइए। तो ये जो है ये पृथ्वी के केंद्र में रखने पर सबसे ज्यादा वजन कम होता है किसी वस्तु का। फिर अगर उसको घुमा के अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से रेखा पर सबसे कम वजन होता है, तो ये विषुवत रेखा पर सबसे कम वजन होता है किसी वस्तु का। साथ ही साथ आप ये भी नोट कर लेंगे कहाँ होता है फ्रेंड्स, ये होता है सबसे पहले तो आप देख लेंगे कि पृथ्वी के केंद्र में रखने पर सबसे कम वजन होता है, और साथ ही साथ विषुवत रेखा पर सबसे कम वजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में क्या करती है, ध्वनि यात्रा करती है। और ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है ये किस टाइप की तरंगे होती है, तो ये होती है यांत्रिक तरंगे। ओके, ये आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्वर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है विद्यमान अधिस्वर पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम गाइस मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जिसको HgS के फॉर्म में भी हम लिखते हैं, HgS इसका फॉर्मूला है। ये आप नोट कर लेंगे कि मर्क्यूरिक सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है, ये है सिंदूर का। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, झूठा सोना जिसको फुलिस गोल्ड, फुलिस गोल्ड बोलते हैं, और वो कहलाता है, क्या कहलाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराक्साइड्स। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, ये दोनों तीनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। अब अगर ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करें, और पैनक्रियाज की बात कर ले, तो पैनक्रियाज जो है ये अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी में होता कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये होता है पेट में बाईं ओर जो होता है वो पैनक्रियाज होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है पाचन एंजाइम और हार्मोन जारी करना, ठीक है, सिक्रेट करना, इसका क्या होता है, मुख्य काम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होती है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक क्या होता है, तो ये कौन उत्प्रेरित करता है, ये करता है पेप्सिन एंजाइम, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा, तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है क्या होता है, ये होता है पृथ्वी के केंद्र पे होता है, और अगर रेखा की बात की जाए तो कहाँ होता है, ये होता है विषुवत रेखा पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि किस रूप में कार्य करती है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में कार्य करती है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि जो है वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो ये है Na2CO3, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे। अब तो ये है वॉशिंग सोडा का, अगर आपसे पूछा जाए खाने वाले सोडा का, दैट इज बेकिंग सोडा का, अगर इसका आपसे सूत्र पूछा जाए, इसका आपसे फॉर्मूला पूछा जाए, तो ये क्या होता है, NaHCO3। तो Na2CO3 किसका होता है, ये होता है वॉशिंग सोडा का, और NaHCO3 किसका होता है, तो ये हो जाएगा अपना बेकिंग सोडा का, ये आप याद रखेंगे। अब खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, अगर आपसे बेकिंग सोडा ना पूछ के सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपसे सूत्र पूछ लिया जाए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
NaHCO3 जिसको हम बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था? तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है गैलीलियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लेंज के नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो ये है ऊर्जा। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, सोलर सिस्टम ये सारी चीजें, जब आप स्पीडी की बुक ओपन करते हैं ना, तो स्पीडी की बुक में आई थिंक थर्ड या फोर्थ पेज में ही आपको सौर्य मंडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। वन बाय वन वो सारी वीडियोज हम कवर करने वाले हैं, बट जब तक ये सारे वीडियोज हमने इस हमारे चैनल पे नहीं डाला है, आप वहां से जाके इजिली उन सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे कवर किए गए हैं। स्पीडी की बुक ना रामबाण है यार, इसको आप पढ़ लो, वहां से तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके लग जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सारे के सारे 10 सेट्स आपको कैसे लगे, हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर कुछ भी कमी रह गई हो जो आपने 10 वीडियोस देख लिए हैं और आपको सारे वीडियोस में अगर कुछ कमी नजर आती है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए हमारी कमी, ताकि हम आने वाले सब्जेक्ट्स में नेक्स्ट वीडियोस में हमारी तरफ से वो कमी ना रहे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियोस में मैं 10 सेट्स कवर करने वाली हूँ पॉलिटी के, और साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी कवर करूंगी, क्योंकि पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आपके 6 से 7 क्वेश्चंस आपको रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी इजी रहता है। आपने उतने सारे क्वेश्चंस अगर कवर कर लिए हैं, और स्पीडी का जो भी मैंने आपको बताया है कि जो मिडिल में जो कुछ क्वेश्चंस के पेपर होते हैं वो आपने लगा लिया है, इतना सफिशियंट सैंपल है ये, इतना काफी है कि आप रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सुरक्षित रहें, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।